नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस करेंगे आज, और ये 10 क्वेश्चंस होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ये डेली प्रैक्टिस वीडियो जो आपको मिल रही है, इन्हें पूरे करते चले जाइए। कल मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसमें कि आपको इस सीरीज की सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएगी। जैसे हमने टीचिंग के, रिसर्च के, कम्युनिकेशन, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल एंड एनवायरमेंट, ये सब डाल दिए हैं यूनिट्स। और जैसे ही इसकी 8 यूनिट्स होती हैं, इसका एक कंबाइंड वीडियो आपको देंगे। अगर आप पेपर 1 और कॉमर्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी भी, तो आप SCRYT कोड के साथ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन या पेड कोर्सेज को ले सकते हैं, जो कि 3 महीने, 6 महीने या 12 या 24 महीने के हिसाब से आते हैं। ये प्राइजेस आपको दिख रहे हैं, और ये प्राइजेस जो है आपको आफ्टर डिस्काउंट के दिख रहे हैं। तो SCRYT कोड को यूज़ करिए और बैचेस में खुद को एनरोल कर लीजिए, ताकि आप दिसंबर की तैयारी को एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखनी है कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी कैटेगरीज है। हाउ मेनी कैटेगरीज डिड NIRF रिलीज दी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इन इट्स 2022 की जो रिपोर्ट थी, तो उसमें 11 कैटेगरी की रैंकिंग जो है वो की गई थी। याद रखिएगा कि NIRF जो है एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो लॉन्च किया गया 2015 में। NIRF जो है बेसिकली कहती है कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को भारत के हम रैंक करते हैं पैरामीटर्स पे, जैसे कि टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, आउटरीच और ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस पे। तो ये जो 11 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें इंजीनियरिंग एक कैटेगरी है, जिसमें यूनिवर्सिटी एक कैटेगरी है, जिसमें ओवरऑल नेशनल रैंकिंग एक कैटेगरी है, फार्मेसी कैटेगरी है, मेडिकल, आर्किटेक्चर, कॉलेज मैनेजमेंट, लॉ, डेंटल और रिसर्च, ये 11 कैटेगरीज हैं। CU चयन पोर्टल जो है उसमें यूनिवर्सिटीज का क्या रोल होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टीजमेंट करने के लिए होती है, या फिर ड्राइव करने के लिए सभी स्टेजेस रिक्रूटमेंट की, या यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल होती है स्क्रीन करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट पोर्टल को। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि सारी स्टेजेस ही आप यहाँ यूनिवर्सिटीज को जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में CU चयन पोर्टल पे निभानी पड़ती है। जैसे जॉब पोस्टिंग हो गई, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो गई, स्टूडेंट की प्रोफाइल रिज्यूमे हो गए, एप्लीकेशन मैनेजमेंट हो गया, करियर गाइडेंस के रिसोर्सेज हो गए, ये सब ही होगा। उसके बाद बात आती है कि इनमें से कौन से जो फैक्टर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स NIRF रैंकिंग जो है वो किन पे बेस होती है। तो मैंने अभी आपको बताए थे ये फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सपीरियंस उसमें जो है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो है ये फैक्टर्स बेसिकली ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स के 5 ब्रॉड जेनरिक ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स हैं। तो जेनरिक ग्रुप किस तरीके से यहाँ पे होगा, तो सबसे पहले आएगा टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, जो कि आपके TLR होते हैं। फिर उसके बाद आएगा जो हमारे ग्रेजुएशन का आउटकम है। फिर यहाँ पे आएगा कि रिसर्च और जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। और फिर उसके बाद जो है ये आएगा पीयर परसेप्शन। और फिर यहाँ पे जो है ये होगा आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। तो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन नाम से कोई भी चीज इसमें नहीं होती है, 5 ही होते हैं, TLR, RP, GO और OI और पीयर परसेप्शन। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे प्लीज क्वेश्चन को पॉज करिएगा, आप आंसर करिएगा, देखिए आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है, गलत आ रहा है। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करा करिए, वीडियो को लाइक करा करिए, ताकि ये और लोगों की फीड में जाए और लोग इसे देखेंगे, तो हम ज्यादा लोगों के लिए इसे बना पाएंगे। तो देखिए, कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023 के अंदर, ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड। तो बेंगलोर है, IISc बेंगलोर ने QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है 2023 में भारतीय इंस्टीट्यूट में से कौन सी जो है इंस्टीट्यूट है जिनमें उसने टॉप किया। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग आप सबको पता है एनुअल रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड वाइड, और जो कंडक्ट की जाती है ये QS के द्वारा, जो एक ग्लोबल हायर एजुकेशन की कंसल्टेंसी फर्म है यूनाइटेड किंगडम की। और याद रखिएगा कि IISc जो है इसे रैंक किया गया था हाईएस्ट, फॉलोड बाय उसके बाद IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली जो है वो आए हैं। इन्होंने सिक्योर की थी पोजीशन 155 2023 में, जो कि इनकी 186 हुआ करती थी 2022 में। तो काफी सुधार हमने इस बार किया है। अब आगे देखते हैं कि क्या प्राइमरी फोकस है UBA का, जो कि उन्नत भारत अभियान है। तो उन्नत भारत अभियान का मेन फोकस जो है क्या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रूरल एरियाज में, या फैसिलिटेट करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, या एक्सपेंड करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को मेट्रोपॉलिटन सिटीज के। तो देखिए, सेकंड जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि रूरल एरियाज जो है उसको प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो है इसको लगाया जाता है। देखिए, UBNI एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार का, जिसका मकसद है कनेक्ट करना हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को लोकल कम्युनिटीज के साथ और एड्रेस करना डेवलपमेंट चैलेंजेस को। और इसमें क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, होलिस्टिक अप्रोच, ये सब चीज़ों की बात होती है। कौन सी यूनिवर्सिटी को रैंक किया गया लास्ट ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की, अकॉर्डिंग टू द NIRF रैंकिंग 2022। तो देखिए, कई बार लास्ट नहीं पढ़ते हम, पहली पहली लेते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ये
विश्वेश्वरया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है इसको लास्ट रैंक किया गया था NIRF ने। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया में अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग 2022 इस यूनिवर्सिटी को लास्ट रैंक किया गया था। VTU कहते हैं इसे, पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये है कर्नाटक की। तो ये 1998 में बनी थी और सर एम विश्वेश्वरया जो है, जो कि एक रिनोन्ड इंजीनियर और स्टेट्समैन थे, इसको 100वीं रैंक मिली थी। तो एक स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जिसे SIP कहते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल निभाता है नए बच्चे को ट्रांजिशन करने के लिए स्मूथली हायर एजुकेशन के अंदर। SIP क्या करता है, ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है नए बच्चों को ताकि वो फेमिलराइज हो सके नए एकेडमिक एनवायरनमेंट से, कैंपस की फैसिलिटीज से और अवेलेबल सपोर्ट सर्विसेज से। तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है क्योंकि आप इंडक्शन प्रोग्राम्स को HRM में या कॉमर्स में वैसे भी पढ़ते ही हैं। ये इंडक्शन प्रोग्राम लोगों को बताने के लिए होते हैं, नई चीज़ों से फेमिलराइज कराने के लिए होते हैं, एकेडमिक एनवायरनमेंट जो है उससे खुद को कैसे फैमिलाइज करें, कैंपस फैसिलिटीज से। तो उनको ये चीज़ें समझाने के लिए कि इंडक्शन के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, कि भाई नए लोग हैं उनको एनवायरनमेंट समझाइए, तौर तरीके समझाइए, ताकि उनका जो है ओवरऑल उनकी सूटेबिलिटी बढ़े। NCIV स्कीम फोकस करती है इंटीग्रेशन पे वर्चुअल टेक्नोलॉजी के प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए। कौन सा आस्पेक्ट इंडियन कल्चर का, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कल्चरल हेरिटेज या साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो कल्चरल हेरिटेज जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि NCIV जो है नेशनल सेंटर फॉर इंडियन वर्चुअल एथोस, याद रखिएगा इंडियन वर्चुअल एथोस, इसका मेन काम क्या है, यहाँ पे मेन फोकस है स्कीम का फोकस करने पे इंटीग्रेशन ऑफ वर्चुअल टेक्नोलॉजी, ताकि प्रमोट और प्रिजर्व किया जा सके भारत की कल्चरल हेरिटेज को। इसके थ्रू स्कीम जो है कई भारत की, इंडिया की जो डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज है ना, ट्रेडिशनल आर्ट है, लैंग्वेजेस, म्यूजिक, डांस, फोकलोर है, अदर आस्पेक्ट जो हमारे रिच कल्चरल लेगेसी के हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करती है। कौन सा UGC का इनिशिएटिव प्रमोट करता है एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज? तो यहाँ पे जो है वो सीधा सा आंसर होगा स्पार्क। देखिए स्पार्क वो बेसिकली स्कीम है जिसको हम बोलते हैं कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, और इसीलिए इस स्कीम के तहत यहाँ पे बात होती है कि कैसे हम भारत के रिसर्चर्स को कोलैबोरेशन में काम करवाएंगे बाहर के जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ, और कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट्स में डालेंगे। तो इसके लिए हमने स्टेम जो प्रोजेक्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इन डिसिप्लिन को आगे लाने के लिए, फिर सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और बाकी चीज़ों को भी, और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन के अप्रोच को कैसे ग्लोबल चैलेंजेस या ग्लोबल लोगों के साथ लेके देखना है, तो स्पार्क इसकी सीधी सी एक बात है। इसके बाद देखते हैं कि NSQF ऑर्गेनाइज करता है क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अ सीरीज ऑफ लेवल्स ऑफ, तो देखिए नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, या नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, स्किल अचीवमेंट या एप्टीट्यूड, या स्किल, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड। तो देखिए नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड, ये सीधा सही आंसर होगा क्योंकि जो NSQF का फ्रेमवर्क है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसके की एलिमेंट क्या होते हैं कि नेशनल प्रिंसिपल्स जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएं स्किल प्रोफिशिएंसी के लिए, मल्टीपल एंट्री एग्जिट बनाए जाएं वोकेशनल एजुकेशन के लिए, प्रोग्रेशन पाथवेज बनाए जाएं स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत, अपॉर्चुनिटीज दी जाए लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 10 के 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे, सारी यूनिट्स को आप इंजॉय कर रहे होंगे, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, इसको करिए और सारी वीडियोस को पूरा कर लीजिए ताकि बाद में एक बार रिविजन करें तो बहुत अच्छा होगा। फैलेसीज की सीरीज करिए, इसमें भी 7 वीडियोज आए थे, और थैंक यू सो मच, शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि रोज आपको एक वीडियो मिलता है। थैंक यू सो मच।